हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जी हां, UPSSC की तरफ से एक बड़ी नोटिस जारी हुई है। जी हां, रात्रि में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की है एक बड़ी परीक्षा से संबंधित। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नोटिस। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने किस संबंध में नोटिस जारी की है। लाखों अभ्यर्थियों के लिए अपडेट आ गई है, फॉर्म भरा है तो ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो इस समय हम उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर न्यूज़ एंड अलर्ट्स में जाएंगे तो एक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। आयोग के विज्ञापन संख्या 23/2016 के परीक्षा में सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 के अंतर्गत ऑब्जेक्टेड आवेदकों की सूची देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू ऑल में क्लिक कर देना है, या व्यू ऑल में नहीं तो आप इसी लिंक पे क्लिक कर देंगे जो कि न्यू करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप और हमने कर दिया है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख आ रहा है कि 23/2016 जो फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई थी वो 7/11/16 से लेके 26/11/16 थी। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 28/11 थी। फ़ोटो रीअपलोडेड की आपका जो समय मिला है वो 16 तारीख को मिला है, यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर जिसका गलत हुआ है वो अपना 16 फरवरी तक एरर सही कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन लिस्ट में किन के नाम है ये आपको यहाँ पे सी ऑब्जेक्शन लिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे देखना है, कहीं आपका नाम नहीं तो ये खुल के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ क्लिक द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर शोन इन द फ्लोविंग टू री अपलोड विथ सिग्नेचर फ़ोटो विथ सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको देख जाना है और यहाँ पे आपको अगर आपका इरर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधे वहाँ पे लिंक पे पहुँचा देगा, आपको फ़ोटो तथा सिग्नेचर रीअपलोड करने हैं। अब यहाँ पे नाम देख सकते हैं, शुरू हो चुका है 1 से लेके। आप यहाँ पे लिस्ट को डाउनलोड करके या यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप अपना नाम देख सकते हैं, जिस भी नाम से आपका हो फॉर्म, आपका जो भी नाम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लगभग लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ पे कुछ ही अभ्यर्थियों की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके नीचे देख सकते हैं, टोटल 208 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है। अदर एग्जामिनेशन 23/2016, 7/11/2016, लास्ट डेट फ़ोटो री अपलोडिंग। यहाँ पे एग्जामिनेशन संबंधित कह रहा है कि आज, यानी कि 7/11/2016 का ये जो विज्ञापन आया था, अब उसको आप 16 फरवरी 2020 तक फ़ोटो और सिग्नेचर री अपलोड कर सकेंगे। तो ये रही अपडेट आप सभी के लिए, बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इसके अपडेट ज़रूर कर लें, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो ये रही अपडेट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।